हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना शर्मा और सपना अमित्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मक्की की रोटी आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिसे भी मक्की की रोटी बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है और जो बना नहीं पाते, अब वो आसान तरीके से मक्की की रोटी बनाकर पूरे परिवार को खिला सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और कम समय में। आज मैं दो तरीके से मक्की की रोटी बनाऊंगी, तो चलिए मक्की की रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें आपको जितना मक्की का आटा चाहिए, आपको जितनी मक्की की रोटी बनानी हो आप उतना आटा लें और उसे अच्छे से छान लें। किसी भी रोटी बनाने से पहले आप कोई भी आटा लें तो उसे अच्छे से छान लें। लीजिए, हमने आटे को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसे अच्छे से गूंदेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले पानी को गर्म कर लेंगे। मक्की की रोटी बनाने से पहले मक्की के आटे को गर्म पानी से गूंदा जाता है। गर्म पानी से मक्की के आटे को गूंदने से आटा अच्छे से गूंद जाता है और उसमें गुठली भी नहीं रहती, इसलिए हम मक्की के आटे को हल्के गुनगुने या फिर तेज गर्म पानी से गूंद सकते हैं। मक्की के आटे में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और इसे अच्छे से गूंद लें। इसे हथेली की सहायता से अच्छे से मसल मसल कर गूंदना है, इससे रोटी अच्छे से बनेगी और टूटेगी भी नहीं। आपको जितनी रोटी बनानी है पहले आप उतना आटा लें और उसे अच्छे से मसल कर गूंद लें। अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे एक पोलोथीन और उसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। तेल को अच्छे से लगाना है पोलोथीन पर। आप इसकी जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पे मक्की की रोटी की लोई लेकर अच्छे से रख लेंगे और उसे कवर कर लेंगे। अब हम इसे बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लेंगे। मक्की की रोटी ऐसे बेलन की सहायता से गोल नहीं बनती, आप इसे किसी भी आकार में बनाएं और आपको जो भी आकार चाहिए उसी आकार में एक बर्तन लेकर इसे अच्छे से कट कर लें और एक्स्ट्रा आटा निकाल लें। अब इसे किसी चाकू की सहायता से अच्छे से इसके किनारे सेट कर लें और फिर हथेली पर रखकर इसे पॉलीथीन से निकाल लें और फिर तवे पर रख दें। देखिए हमारी रोटी कितनी पतली और गोल बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे दोनों तरफ से आलट पलट कर पका लेंगे। अब हम इसे अच्छे से गैस के चूल्हे पर सेक लेंगे। मक्की की रोटी को जितना आप सेकेंगे ये उतनी ही करारी बनकर तैयार होगी। आप इसे अच्छे से सेक लें, इसे अलट पलट कर अच्छे से सेकना है। अब हम इसी तरीके से दूसरी रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरीके से पॉलीथीन पर तेल या घी लगाएं और आटे की लोई रखकर इसे अच्छे से बेल लें। आपको जिस आकार में रोटी चाहिए आप उस आकार के बर्तन से उसे अच्छे से कट कर लें और एक्स्ट्रा आटा बाहर निकाल कर चाकू से इसके किनारे अच्छे से सेट करके और पॉलीथीन से हथेली पर निकालना है। पहले इसे डायरेक्ट तवे पे नहीं रखना है। लीजिए कितनी आसानी से ये पॉलीथीन से बाहर निकल जाती है और कितनी गोल बनकर तैयार हुई है। अब इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। इसे अच्छे से सेकना है जिससे कि हमें करारी करारी मक्की की रोटी खाने को मिले। इसी तरीके से आपको मक्की की रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। लीजिए हमारी मक्की की रोटी बनकर तैयार है। इस तरीके से मक्की की रोटी बनानी कितनी आसान और कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके से मक्की की रोटी बनाएंगे। अब हम इसकी एक छोटी सी लोई तोड़कर इसे हाथ की सहायता से ही बनाएंगे।
मक्की की रोटी को हमें हाथ की ही सहायता से बनाना है, इसलिए हम गुनगुने पानी से पहले हाथों को गीला करेंगे और इसी तरीके से हम हाथ की सहायता से इसे अच्छे से बना लेंगे। ऐसे हथेली से दबा दबा कर हम इसे पतला करेंगे, साइड साइड से पतला करना है और ये अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। इसी तरीके से हमें हाथ की सहायता से रोटी को तैयार करना है। देखिए हमारी रोटी कितनी गोल बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे तवे पे तेज आंच पर सेकेंगे। रोटी को दोनों तरफ से अच्छे से तवे पे पका लें। रोटी को हम दोनों तरफ से अलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे। अब हम रोटी को गैस पर तेज फ्लेम पर सेकेंगे। रोटी को अच्छे से ऐसे अलट पलट कर अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लें, जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए और ये बीच से कच्ची ना रहे। इसे अच्छे से सेक लें। अब हम इसी तरीके से दूसरी रोटी को भी बनाकर तैयार करेंगे। ऐसे ही हाथों में गुनगुना पानी लगाएं और आटे की लोई लेकर इसे हथेली की सहायता से इसे साइड साइड से पतला करें तो ये बीच से अपने आप पतली हो जाती है। देखिए ये भी हमारी गोल रोटी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे भी अच्छे से सेक लेंगे। इसे भी दोनों तरफ से अलट पलट कर अच्छे से पका लें तवे पे। मक्की की रोटी पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए इसे धीरे से अलट पलट कर पका लें। अब हम इस रोटी को भी तेज फ्लेम पर ऐसे ही अच्छे से सेक लेंगे। रोटी को दोनों तरफ से अलट पलट कर सेक लें। देखिए हमारी रोटी बीच से थोड़ा थोड़ा फूलना स्टार्ट हो गई है। इसे अच्छे से सेकें ताकि ये साइडों से और बीच से कच्ची ना रहे। लीजिए हमारी रोटी सेक कर तैयार है। देखिए इसी तरीके से मैंने सभी रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।